नामांकन की प्रक्रिया हुई शुरू। डीएम ने कलेक्ट्रेट में बने कक्षों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, रखे कड़े इंतजाम। एमयू कैंपस में बीते दिन कुत्तों द्वारा हुए हमले से व्यक्ति की जान जाने पर छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। नगर निगम की लापरवाही, नगर निगम वाहनों पर नहीं रहती नंबर प्लेट, घटना होने पर कौन होगा जिम्मेदार। वर्ष 2024 से वाषणेय बाल विद्यालय में पढ़ाई होगी शुरू, 18 अप्रैल को होगा भूमि पूजन। हैंड्स फॉर हेल्थ संस्था नारायण सेवा संस्था ने ऐतिहासिक निःशुल्क कृत्रिम अंग शिविर लगा की लोगों की जाँच। अपनी शादी के कारण छपा कर ला रहा युवक को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हुआ घायल। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ जिलाधिकारी इंद्रविक्रम सिंह ने बताया कि बीते दिन महानगर सहित जनपद में निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। महानगर में मेयर और सभासद पद के प्रत्याशी कलेक्ट्रेट में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और जनपद की 2 नगर पालिका सहित 15 नगर पंचायतों के नामांकन तहसील में रिटर्निंग ऑफिसरों के सामने दाखिल किए जाएंगे। बताया कि नामांकन केंद्र से 200 मीटर के दायरे में कोई भी दल या प्रत्याशी को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रिटर्निंग ऑफिसर के सामने प्रत्याशी, उनके प्रस्तावक या अनिवार्य लोग ही प्रस्तुत होकर नामांकन दाखिल कराएंगे। इन सब के बीच नामांकन प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कड़े पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। नगर निगम और सभी नगर पंचायत नगर पालिकाओं में अलीगढ़ जनपद में आज से नॉमिनेशन का कार्य प्रारंभ हो गया। आज सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। नॉमिनेशन का आज पहला दिन है। नगर निगम और उसके जो मेयर तथा वार्ड के निर्वाचन है उसके लिए कलेक्ट्रेट कैंपस में नाम निर्देशन लिए जाने की व्यवस्था है और इसी प्रकार से सभी तहसीलों में जो उनके अन्य निकाय हैं उनके बारे में नाम निर्देशन लिए जाने की व्यवस्था की गई है। सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स अपने यहाँ मौजूद हैं, पुलिस व्यवस्था है और सभी आवश्यक प्रपत्र सभी रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास मौजूद हैं, उनकी ट्रेनिंग इत्यादि की जा चुकी है। तो आज चूँकि नॉमिनेशन का पहला दिन है और ये निरंतर चलता रहेगा, बीच के अवकाश के दिनों में भी जो सार्वजनिक अवकाश हैं उन दिनों में भी नाम निर्देशन पत्र जमा करने की सुविधा रहेगी। कितनी नगर पंचायत है, कितनी नगर पालिका? संपूर्ण जनपद में कुल 18 निकाय हैं जिनमें से 1 नगर निगम है, 15 नगर पंचायतें हैं और 2 नगर पालिका परिषद हैं। तो नगर निगम का नाम निर्देशन पत्र यहाँ लिया जा रहा है, शेष जो निकाय हैं उनका तहसील स्तर पे। सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा के प्रॉपर इंतजाम किए गए हैं। किसी भी निर्वाचन अधिकारी तक पहुँचने के लिए 200 मीटर की त्रिज्या में कोई भी जुलूस या कोई भी भीड़ नहीं आ सकती है। केवल और केवल रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवार, उनका एजेंट और उनके जो प्रस्तावक हैं वही रह सकते हैं, जिसकी सीमा निर्धारित है। अगर किसी प्रकार की कोई जुलूस विषय अनुमति लेनी है तो उसके लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष लोगों को आवेदन करना होगा और 200 मीटर की त्रिज्या में जो पहले से ही चिन्हांकित कर दी गई है वहाँ से आगे कोई भी जुलूस अनुमन्य नहीं है। तो धारा 144 भी लगी हुई है, तो उसी के दृष्टिगत ये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं और अगर कोई ऐसी अनुमति दी भी जानी है तो स्थानीय मजिस्ट्रेट ये तय करेगा कि अनुमति दी जानी है, नहीं दी जानी और अगर दी जानी है तो उसकी संख्या और सीमित कितना होना उसको चाहिए। शहर में जगह जगह कुत्तों के हौसले का आतंक देखने को मिलता रहा है। नगर निगम के द्वारा ऐसे खूंखार कुत्तों को पकड़कर जंगल आदि में छोड़ने की व्यवस्था की जाती है, लेकिन नगर निगम द्वारा खूंखार कुत्ते को पकड़ने का अभियान कागजों में ही चलाया जा रहा है। कुत्ते के हमले की वजह से बीते दिन व्यक्ति को एमयू के अंदर फाट चीर कर मार दिया गया। इस खौफनाक मौत से पूरे शहर में अफरा तफरी मची रही। जब युवक की मौत की खबर एमयू कैंपस और पुलिस प्रशासन को हुई तो हड़कंप मच गया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद जांच पड़ताल की गई। वहीं सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए छात्रों ने एमयू प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। छात्रों का कहना था कि लगातार जब कैंपस में खूंखार कुत्ते घूम रहे हैं तो एमयू प्रशासन क्यों आंखें बंद करे बैठा है। सर, हम जो यहाँ पर हम बैठे हैं, ये बच्चे जो दिख रहे हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि आज सुबह जो है एमयू प्रशासन का कहे, मतलब ये एमयू प्रशासन की तरफ से मर्डर किए गए, मैं ये वर्ड यूज करना चाहूंगा सर, क्योंकि अगर इनके नॉलेज में था कि कुत्ते यहाँ पागल हैं, 3-4 बार काट चुके हैं, तो फिर इन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया? सबसे पहला सवाल, एक्शन क्यों नहीं लिया? अगर एक्शन ले लेते आज किसी की जान तो नहीं जाती, या एमयू प्रशासन के या वीसी साहब के या रजिस्ट्रार के घर से आज कोई होता तो क्या आज वही करते, आज वैसे कुत्ते वो टहलते?
ये देखिए फौरन के फौरन एक्शन लिया होता, इसको देखिए सर, सर ये इसको सुबह दौड़ाया, आज ये आज सुबह फिर कुत्ता दौड़ाया, आज फिर आज उस काटने के बाद उसके बाद फिर दौड़ाया। तो इमरान सख्ती से नहीं ले रहे कुछ नहीं सर, कोई एक्शन नहीं ले गया, हम लोग इसीलिए सिर्फ आए हैं। क्या छात्रों के दिल में खौफ है कुत्तों को? सर बिल्कुल, यहाँ पर हम सर यहाँ जो यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं यहाँ 10 बजे कोई 11 बजे रात में अकेले जाता है, क्योंकि यहाँ IAS और जुडिशरी की तैयारी के लड़के हैं, सब सबका मेंस है, यहाँ अकेले जाते हैं सर, कोई सिक्योरिटी नहीं है सर। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तब तक हम यहाँ से आते हैं। मेरा नाम मोहम्मद साकिब, मेरा नाम आसिम चौधरी है। गेट इसलिए बंद किया गया है जो AMU एडमिनिस्ट्रेशन का नेग्लिजेंस है, जिससे कि आज एक व्यक्ति की जान गई है कैंपस के अंदर, उससे सबको इनके कानों की जूर जो नहीं रेंग रही है उसको रेंगाना है, उनको पता चल जाए कि जिनका जितना इनका नेग्लिजेंस हुआ है और जिसकी वजह से इनकी डेथ हुई है आज एक व्यक्ति की। मामला यह है कि यहाँ पर पिछले कई 2-3 महीनों से कुत्तों का प्रकोप है, वो कुत्ते पागल हैं और हर दूसरे तीसरे दिन वो हर एक जो RC जो AMU का RC है या सर सैयद हाउस है वहाँ पर वो राह चलते हुए को किसी बैठे हुए को काट लेते हैं। आज से 3 दिन पहले, 10 दिन पहले, हफ्ते भर पहले AMU जो RC डायरेक्टर हैं या AMU अथॉरिटीज़ हैं उनके संज्ञान में लाया गया कि आप इन आवारा कुत्तों को, पागल कुत्तों को यहाँ से हटवा लें, इनको किसी तरह आप ट्रांसफ़र कर दें, लेकिन कोई हमारी जो है किसी बात पर अमल नहीं किया गया। आज उसका नतीजा ये हुआ है कि आज एक व्यक्ति की डॉक्टर साहब हैं बताइए, हम उनके बारे में कुछ हमें नॉलेज नहीं, लेकिन आज जब हम आए लाइब्रेरी, हम यहाँ पढ़ते हैं तो सभी बच्चे जब आए तब पता चला कि यहाँ लॉन में एक लाश पड़ी हुई है, ठीक है, और वो लाश पहले तो ये इल्ज़ाम लगाया कि किसी का मर्डर है, क्योंकि इस तरह से उनको ब्रूटली उनको असॉल्ट किया गया था कि उनके उनके जिस्म में कहीं जो है छेद थे, कपड़े तो नहीं बचे थे उनके जिस्म, ऐसा लग रहा था चाकुओं से गोदा गया मल्टीपल टाइम्स, वो तो वहाँ वहाँ CCTV कैमरा था जिसकी वजह से ये सब राजफाश हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि नेग्लिजेंस किसका है, जब आपकी नोटिस में हम 3-4 दिन हर हफ्ते आपको दे रहे हैं, लिखित में दे रहे हैं, आपने कोई एक्शन नहीं लिया, आपने नगर निगम क्या आपकी इतनी भी एडमिनिस्ट्रेशन बात नहीं मानता नगर निगम कि आप बुलाकर उनको जो है यहाँ से हटवाए जाए कुत्तों को, आज निकल जाइए। मेंस था, एक बच्ची है, एक बच्ची है, 3 दिन पहले उसको काटा गया, उसका जुडिशरी का मेंस है, जितने भी यहाँ बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं सबके PCS IAS और जुडिशरी के मेंस है, सबके मेंस है, कोई यहाँ जो है राजनीति करने नहीं आया, कोई यहाँ पे किसी को चमकाने नहीं आया यहाँ पे। तो क्या डिमांड है? डिमांड सिर्फ ये है, हमारी जो 5-6 डिमांड्स हैं, सबसे पहले तो डिमांड ये है कि जो हमारा कैंपस है वो कुत्ता फ्री हो, दूसरी डिमांड हमारी ये है कि जो मृतक व्यक्ति है उसके घर वालों को कंपनसेशन मिले, क्योंकि शीयर नेग्लिजेंस है AMU एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि जो AMU के RCA के डायरेक्टर हैं उनको जो है हटाया जाए, क्योंकि उन्होंने किसी की सुनी ही नहीं, वो सुनते तो आज ये होता ही नहीं, आप बताइए 3 दिन पहले वो सुनते तो ये होता, इससे पहले। चौथी हमारी डिमांड ये है AMU के जितने RCA के मेंबर हैं उनको जब वो मेडिकल जाते हैं तो उनको एज ए स्टूडेंट ट्रीट नहीं करते हैं, कल को ये आने वाले भविष्य हैं देश के, है ना, ये इनका कोई परेशान हाल नहीं है, उनका उनको एक उनको स्टूडेंट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, तो उनको स्टूडेंट की तरह ट्रीट किया जाए, उनका जितना भी जो इलाज है वो फ्री हो, जो बच्चियां जिनको पहले काटा जा चुका है उन बच्चियों का इलाज में जो खर्चा हुआ है वो उनको दिया जाए, उनको कंपनसेशन दिया जाए, और इसके अलावा जो भी जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको डिसमिस किया जाए, सस्पेंड किया जाए, और इंक्वायरी के बाद ड्यूली इंक्वायरी के बाद उनको हटाया जाए। प्रशासन से बात हुई? प्रशासन से हमारी कोई बात नहीं हुई है। और आप मजे की बात ये देखिए, 6-7 बजे शव पड़ा हुआ है वहाँ उन मृतक का, उसके बाद भी अब हम 2 बजे आए हैं RCA लाइब्रेरी में, तो ये समझ लीजिए वहाँ कुत्ते मुंह पे खून लगा हुआ अभी भी बैठे हुए हैं, 8-10 कुत्ते अभी बैठे हुए हैं, वो किसी को और को मार दे, ये इसका इंतजार कर रहे हैं। वैसे तो अलीगढ़ नगर निगम हमेशा चर्चाओं का विषय बना रहता है, लेकिन अब अलीगढ़ नगर निगम की एक और लापरवाही सामने आई है, जिसमें नगर निगम की ज्यादातर वाहनों पर नंबर प्लेट ही नहीं रहती। अब सवाल ये उठता है कि अगर कभी किसी भी तरह की कोई घटना होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। दरअसल कुछ दिनों पहले थाना क्वारसी क्षेत्र के रहने वाले नितिन ओमवाश ने दोपहर को अपनी दुकान बढ़ाकर अपने 2 पहिया वाहन से घर क्वारसी जा रहे थे, तभी अचानक क्वारसी चौराहे से आगे ही नगर निगम की बिना नंबर प्लेट के डंपर ने सामने से टक्कर मार दी और मौके से ड्राइवर नगर निगम की डंपर को छोड़कर फरार हो गया। गंभीर अवस्था में घायल को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया और नगर निगम के बिना नंबर वाले डंपर को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। मतलब कुछ गाड़ियां नगर निगम की जो है जिन पर नंबर प्लेट नहीं है उनके ऊपर क्या? वैसे तो सारी नगर निगम जो गाड़ियां चल रही हैं उस पर नंबर प्लेट है, लेकिन आपने भी बताया है कि कुछ गाड़ियां ऐसी भी चल रही हैं जिन पर नंबर प्लेट नहीं, इसकी जांच कराकर इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
एसवी कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट के बराबर वार्षिक बाल विद्यालय का भूमि पूजन 18 अप्रैल को होगा। वर्ष 2024 से लगातार कोशिश करने के बाद वार्षिक बाल विद्यालय में पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 3 तल के भवन में नर्सरी में कक्षा 5 तक अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की जाएगी। बता दें, बीते दिन बारा सैनिक कॉलेज सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा कि वार्षिक बाल विद्यालय का भूमि पूजन 18 अप्रैल को सुबह 8 बजे होगा। प्रथम चरण में नर्सरी से कक्षा 5 तक शुरू किया जा रहा है। इसका विस्तार आगे कक्षा 8 और फिर कक्षा 12 तक हो जाएगा। कक्षाएं अत्याधुनिक होंगी। बता दें कि विद्यालय का निर्माण वार्षिक समाज के लोगों के सहयोग से ही किया जाएगा। और उसका जो भूमि पूजन है वो 18 अप्रैल 2023 को सुबह 8 बजे हुआ। किस तरह की क्लास चालू होने वाली है? यहाँ पर हम जो विद्या मंदिर बना रहे हैं उसको नर्सरी से फिफ्थ तक सीबीएसई बोर्ड के पैटर्न का उसको अपग्रेड कराएंगे। क्या लगता है, डीएस बाल मंदिर का इस समय बड़ा अच्छा नाम चल रहा है, क्या उससे ऊंचा शिक्षा का मंदिर बन पाएगा? ये एक्चुअली वो जो मोदी जी की जो टीम है, जो अमृत महोत्सव जो उन्होंने मनाया है 75 साल पूर्ण होने पर, हमारे वार्षिक कॉलेज को भी 75 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उसके आभार में हमने ये प्राइमरी स्कूल का निर्माण करने का विषय बनाया और हम उससे अच्छी सुविधाएं इसमें उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करेंगे। पूर्व अध्यक्ष जी का बड़ा इसमें उनकी एक मंशा थी, उन्होंने ये बात समाज के सामने बोली थी, क्या उनका भी हस्तक्षेप और क्रियाकलाप या उनके नाम को भी इसमें जोड़ा जाए? बिल्कुल, शेखर सराफ जी का बिल्कुल इस पर ऊपर है, उनका आशीर्वाद हमारे इस काम में है और क्योंकि उनका ये विचार था उसको आगे बढ़ाने का जो बीड़ा हमने उठाया है उसमें हम जरूर सफलता जरूर प्राप्त करें। समाज के लोगों के लिए, बच्चों के लिए कुछ सुविधाएं भी जाएंगी अलग से? अब एक बार बिल्डिंग बन जाए, उसके बाद एफिलिएशन मिल जाए, फिर इसमें स्कीम जो भी होगी, जो भी हमें एडमिशन के जो प्रोसेस होंगे या जो भी अपॉइंटमेंट के प्रोसेस होंगे उस पर विचार आगे हम जरूर करेंगे। अलीगढ़ के डीएस बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुबे का पड़ाव में हैंड्स फॉर हेल्प सामाजिक संस्था अलीगढ़ व नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के संयुक्त तत्वाधान में हाथ पैरों से दिव्यांग लोगों के लिए कृत्रिम अंग माप शिविर लगाया गया, जो कि ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। शिविर में लगभग 400 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया व कृत्रिम अंग के लिए माप दिया। मीडिया प्रभारी विशाल मर्चेंट के अनुसार शिविर में हैंड्स फॉर हेल्प संस्था के सदस्यों ने सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद रखी थी ताकि किसी भी दिव्यांग को कोई भी असुविधा ना हो सके। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल व प्रेरणा संस्था अलीगढ़ की ओर से आगंतुकों के लिए भोजन पानी आदि की संपूर्ण व्यवस्था भी की गई थी। दोनों ही शिविर काफी सफल रहे, जिसमें शहर ही नहीं देश के दूसरे राज्यों से भी दिव्यांगों ने आकर शिविर का लाभ उठाया। क्या कहेंगे, इसमें जितने भी अलीगढ़ शहर और अलीगढ़ के आसपास के दिव्यांग व्यक्ति या है जो इस कार्यक्रम में आकर उन्होंने जिनके हाथ या पैर कट गए थे किसी कारण से या पोलियो के बच्चे थे उनको लाभ मिलने का प्रयास किया। जिनके हाथ पैर कट गए हैं उनके आज नाप दिए गए हैं, जिसमें उनके कृत्रिम अंग उसी को लगाए जाएंगे। तो ये इस तरह का कार्यक्रम है। Thank you.
अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे पर दिल्ली से प्लेटिना बाइक से अपने दोस्तों के साथ अपनी शादी का कार्ड छपा कर ला रहे युवक को अलीगढ़ के यमुना एक्सप्रेस वे के जीरो पॉइंट पर रॉन्ग साइड से आ रही फोर व्हीलर गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार दोनों युवक गंभीर रूप से चोटिल हो गए। आनंद फानंद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल भेजा गया और पुलिस को सूचित किया गया। इसके बाद घर वालों को जानकारी दी गई। आनंद फानंद में परिवार के लोग घायल से मिलने आए। जब घायलों की गंभीर अवस्था देखी तो डॉक्टर्स ने जैन मेडिकल में रेफर कर दिया। बता दें, घायल युवक देवेंद्र की 3 मई की शादी है। हाथ पैरों में फ्रैक्चर होने की वजह से दोनों का उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? देवेंद्र। कहाँ के रहने वाले? अलीगढ़। कौन सी जगह? अलीगढ़ के सिकंदराव। सिकंदराव कौन से गाँव के? गाँव खेड़ा सुल्तानपुर। कहाँ से आ रहे, किस काम के लिए गए थे? कार दिल्ली से आ रहे थे, गांव जा रहे थे। किस काम? कार्ड वार्ड बांटने के लिए? क्या है मामला? जी, कार्ड लेके जा रहे थे। किसके? अपने। किस तारीख की शादी थी? 3। फिर कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था? यमुना एक्सप्रेस से नीचे। तो फिर कौन सी वाहन ने टक्कर मारी थी? जी, 4 पहिए का वाहन था। हम 50-60 की स्पीड पर चल रहे थे, तो उन्होंने बहुत कर्रा कट मारा, तो इसकी वजह से। क्या लोग थे आप सवार? दो। कौन सी गाड़ी थी? प्लेटिना। ऐसी ही अपडेट के लिए आप देखते रहिए एटी न्यूज इंडिया। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।